हेलो नमस्कार, बृंदाचार्य में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, रणनीति तैयार करने को लेकर। सुनील सिंह परिहार जी ने शासन से कहा है कि अतिथि शिक्षक अनुभवी हैं, 16 वर्षों से काम कर रहे हैं, डीएड बीएड है इनके पास में और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, तो इनको नियमितीकरण करने में क्या परेशानी है सरकार को, इनका नियमितीकरण करे सरकार। और इनने आंदोलन की परमिशन मांगी थी, रणनीति तैयार करने के लिए बोला गया था शासन से, लेकिन शासन ने अभी इनको अनुमति नहीं दी है। ठीक है, पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है और सुनील सिंह परिहार जी का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण को लेकर, रणनीति को लेकर। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने के लिए भोपाल में दो बार प्रदर्शन कर चुके प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक 17 अक्टूबर को एक बार फिर भोपाल में जुटे और इस बार इनके भोपाल में जुटने की वजह थी जेल भरो आंदोलन की रणनीति बनाना। लेकिन ये लोग रणनीति बना ही नहीं सके क्योंकि पुलिस ने इन्हें रणनीति बनाने की परमिशन ही नहीं दी। ये अतिथि शिक्षक जहाँ भी जमा हुए पुलिस ने इन्हें वहाँ से हटा दिया। दसूत्र की टीम ने अतिथियों से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार उनकी बात शांति से सुनना ही नहीं चाहती। आज प्रदेश के सभी जिलों से हमारे साथी भोपाल में इकट्ठा हुए थे आगामी रणनीति को लेकर। 2 तारीख को हुए लाठीचार्ज और FIR को के संबंध में कि आगामी रणनीति हमारी क्या होगी, इस संबंध में आज प्रदेश स्तर की मीटिंग भोपाल में रखी गई। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा 9 मसाला रेस्टोरेंट के ऑनर को यह कहा गया कि आप इन्हें यहाँ बैठने ना दें। सरकार ये चाहती है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात भी न रख पाए। यही नहीं, अतिथियों ने मुख्यमंत्री तक अपना संदेश भी पहुंचाना चाहा है। सुनिए क्या कहते हैं अतिथि। सरकार अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर तैयार नहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अतिथि शिक्षक योग्य होने के साथ साथ अनुभवी है। लोग कहते हैं कि अतिथि शिक्षक अयोग्य, मैं कह रहा हूँ 16 वर्षों से अतिथि शिक्षक कार्यरत है, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, प्रशिक्षित है और 15-16 वर्षों का उनको अनुभव है। तो अनुभव के आधार पर जब सभी का प्रमोशन होता है, विधायक मंत्री बनते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर क्यों बाहर किया जाता है। कुल मिलाकर अतिथियों का ये कहना है कि अभी तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है और अगर सरकार उन्हें भोपाल में आंदोलन करने की इजाजत नहीं देगी तो ये लोग जेल भरो आंदोलन कहीं और करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। अब देखना ये होगा कि क्या अतिथियों का जेल भरो आंदोलन हो भी पाएगा या नहीं। भोपाल से विशेष